ये दीक्षाएं भी संपन्न करूंगा और पूर्णावती भी संपन्न करूंगा, फिर आपके कार्य संपन्न होगा। और इस प्रकार से अपने आप में जो कुछ आज तक आपने किया है यहाँ पर या घर पर जो साधना की है मुझे नहीं मिल पाया, या पिछली बार जब भी किसी पूर्णावती भाग लिया होगा उसके बाद में जितने भी साधनाएं संपन्न की है वापिस पूर्णावति में उन सबका पूर्ण फल आपको मिल सके, इस प्रकार का क्रम मैं आपको कल संपन्न करवाऊंगा। इसलिए कल का दिन और उस पूर्णावती का प्रयोग या पूर्णावती में भाग लेना अपने आप में एक आपके जीवन का एक श्रेष्ठतम प्रयोग होगा, कार्य होगा, क्षण होगा, चिंतन होगा और आप स्वयं अपने आप में पूर्ण अग्निमय बन करके अग्नि देवता, वाचो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, अग्नि हम देव स्वरूप बने, अग्नि से चंद्र स्वरूप बनेंगे, चंद्र सूर्य स्वरूप बनेंगे, सूर्य स्वरूप बनकर के पूरे ब्रह्मांड स्वरूप बन सकेंगे और पूरे संसार में अपने आप को व्याप्त कर सकेंगे। इस जीवन में ही आप ऐसा सब कुछ बन जाए, ऐसा तो जीवन है, वही तो जीवन का आनंद है, वही जीवन की पूर्णता है, उसका क्रम प्रारंभ यहीं से है। इसीलिए कल उस क्रम को मैं आपको संपन्न करवाऊंगा, ऐसा आपको ऐसे आशीर्वाद दे रहा हूं। प्रत्येक क्रम की इच्छाएं बनी रहती है, कुछ लोग कर्मठ होते हैं अपनी इच्छाओं को पूर्ति कर लेते हैं, कुछ लोग रोते रहते हैं कि भाग्य में लिखा नहीं है, क्या करें, ऐसा कुछ नहीं है, भाग्य जीव में कुछ नहीं होगा, ये मन नसीब में है ही नहीं, वह तो कायर बुद्धिल ऐसा करते ही हैं। इसलिए कोई लेबर लिखा करके नहीं आता आदमी कि मैं कायर हूँ या बुद्धिल हूँ, या माँ तो सबको चैतन्य पैदा करती ही है, वो अपने कर्मों से ही बुद्धिल बनता है या चैतन्य बनता है, माँ की इसमें कोई गलती नहीं है। ये आपके जीवन का चिंतन का विचार की भावना है कि आप एकदम से स्फुलिंग की तरह बने, अपने इच्छाओं की पूर्ति करें जब भी ऐसे अवसर आए, जब भी ऐसे क्षण आए जो आज क्षण है, और या फिर अपने कर्म को रोते रहे, चिंतन करते रहे, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बेकार पैदा हो गया, जैसे मर जाता तो अच्छा था, हे भगवान मुझे तुम मौत दे दे। अब वो इच्छा तो प्रकट करें आप, मौत भगवान दे नहीं है, कुछ जरूर पड़ेंगे, आपको मानते रहेंगे, ऐसा नहीं होता। इसलिए आप पूर्ण रूप से बैठ करके अपने सामने जो यंत्र है उसको रखिए, और ये यंत्र अपने आप में एक महत्वपूर्ण यंत्र होगा जिसको हमने लक्ष्मी से रूप से बनाया है। और फिर मैंने आपको लक्ष्मी के 108 नाम बताए थे जीवन के, और मैं गुरु रूप में भी लक्ष्मी बनकर के आपको प्रयोग संपन्न करवाया था, ये आपकी जीवन की संकल्प है। अपने सामने यंत्र स्थापन करें, सीधे बैठ जाए और मन की मनोकामना सोच रहे, एक महत्वपूर्ण मनोकामना जो सबसे पहले पूर्ण होनी ही चाहिए, और दूसरी मनोकामना भी, तीन मनोकामनाएं आप सोच सकते हैं, दूसरी मनोकामना में थोड़ा विलंब हो सकता है, तीसरी मनोकामना में थोड़ा ज्यादा विलंब हो सकता है, पहली मनोकामना आपकी संपन्न होगी ही, जो भी आप सोच रहे मन में निर्धारण कर लें, और एक शब्द में ही वह मनोकामना होनी चाहिए आपकी, जैसा मैंने आपको समझाया था, जैसा आप चिंतन करें, जैसे आपकी इच्छा हो, जो भी आपके विचार हो, जो भी आपकी धारणा हो, आप इस क्षेत्र में मुझसे ज्यादा समझदार हैं, योग्य हैं, चतुर हैं, इसलिए आपको इस मामले में समझाने की मुझे जरूरत है। सबसे पहले गणपति को स्मरण करें, पूर्णेन्दु बिंदु भवतां भवतं गणेशं काम्येव देश भवतां भव नित्य रूपं वृद्धिर्मवेत फलतं भवतां च सिद्धिं रात्रो और के साथ में एक कुबेर पात्र है, वो भी आप
यंत्र के सामने इस उंगलियों के सहारे पर तो यंत्र रख दें, यहाँ पर मेरे पास रख दें। ये प्रश्न सत्र पर ऐसा प्रयोग आया हुआ है, आप कभी बात नहीं देखना चाहते देख लेना, अभी तो आप सीधा उस पर यंत्र ध्यान रखिए। ओम गम स्मृति नमः, ओम गम मेधाय नमः, ओम रम कांति नमः, ओम तम लक्ष्मी नमः, ओम समृद्धि नमः, ओम रम शांति नमः, ओम रम ईश्वरी नमः, ओम रम मुक्ति नमः, ओम तम ताम कामिनी नमः, ओम रम वराय नमः, ओम रम आवाद नमः, ओम रम प्रीति नमः, ओम रम दीर्घाय नमः, ओम रम तीक्ष्णाय नमः, ओम रम रुद्राय नमः, ओम रम भद्राय नमः, ओम रम भद्राय नमः, ओम रम चंद्रिकाय नमः, ओम रम खुदाय नमः, ओम रम गोदिनी नमः, ओम रम क्रियाय नमः, ओम रम मुद्राय नमः, ओम समर्थकाय नमः, ओम रम पीताय नमः, ओम रम श्वेताय नमः, ओम अरुणाय नमः, ओम शमशान ब्राह्मणा वस्त्रांते कुंकुम लेप्य अस्तां पुष्पं त्वयि अस्तां सुन्दाम्ना अस्तांते पुष्पं सुन्दाम्ना पुष्पांते पुष्पमाली सुन्दाम्ना मम समस्त विभिन्न मातृस्वरूपेण ताम शक्तै मम यन्त्रै स्थापितां पूर्व मम मनोकामना सत्ताय सुखा सौभाग्य धनधान्य यथा प्रतिष्ठा ऐश्वर्य अभिवर्धितां पूर्णाय सुभ्यं संप्रदायै नमः इति मानुं कुबेर आवाहनं समर्पयामि मम। ये पुस्तक नंद किशोर की पुस्तक है, इसमें ये पेज में वर्णन है, आप घर पर भी इसका देख सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। रोज अब जो आपके सामने कुबेर पत्र है उस पर आप ध्यान करें और इस पर मैं मंत्र आपको उच्चारित कर रहा हूँ, आप मेरे सामने मंत्र को बोलेंगे जिससे कि मंत्र ज्ञान हो जाए। लक्ष्मी रूप में ऐसा चित्र रूप में दान पूर्णम स्वर्ण लक्ष्मी प्राप्त उत्तम स अंधम दान ऊर्जा दान उद्यम संवर्धे बोली ओम ओम वैश्रवणाय नमः ओम अम वैश्रवणाय नमः ओम वैश्रवणाय नमः। मैं तीन मंत्र अलग अलग ढंग से बोले हैं और मूल पे स्वाहा शब्द जब हम इस समस्त शक्तियों को अपने साथ देखते हुए मेरे इस स्थान में स्थापित हों। प्रयोग आपको कैसे करना है वो आपको समझा देता हूँ। अपने घर में जाकर के इस यंत्र को पूजा स्थान में रखना है और उसके सामने कुबेर पात्र को स्थापित कर देना है। उसके बाद में अक्षत ले लें। अक्षत का मतलब है टूटा हुआ चावल, उसको क्षत कहते हैं। जो टूटा हुआ चावल नहीं उसको अक्षत कहते हैं। उस अक्षत को लेकर के और हल्दी से रंग चावल का दाना डालते हुए चंदन के बाद जो चावल इकट्ठे हों उन चावलों को आप अपने घर के भंडार में जो भी जहाँ धान रखते हैं जहाँ वस्तु रखते हैं वहाँ उस पोटली को रख दें, यानी जहाँ आपकी किचन है जहाँ आपका सामान पड़ा रहता है उसमें, और थोड़े चावल आपके जहाँ पैसे पड़े रहते हैं धन पड़ा रहता है वहाँ पर भी पोटली बांध करके रखें, और तीन आपकी दुकान में जहाँ गल्ला रखते हैं वहाँ रख दें। तो तीन भाग हो सकते हैं और चंदन के प्रयोग के बाद में 108 को 14 से गुणा करें इतने चावल के दाने आपके इकट्ठे होंगे और उसको, और उसके बाद में उस जो मंत्र है इसकी रोज एक माला पर्याप्त है। सदन का प्रयोग है, आप कभी भी इसको कर सकते हैं और यदि बीच में आप टूट भी जाता है तो कोई इसमें खंडित नहीं होता। जैसे मान लो 4 दिन किया फिर आपको जाना पड़ गया रायपुर और नहीं कर पाए तो भी कोई बात नहीं, फिर वापस आके कर सकते हैं। कोई चलन होना चाहिए, आप कर सकते हैं, आपकी पत्नी कर सकती है और आपकी बालिका कर सकती है, जो भी या पुत्र कर सकता है, जो भी कर सकते हैं, कुबेर पात्र स्थापित रहना चाहिए। और इस प्रकार से अब मैं उस मंत्र को बोल रहा हूँ, आप अपने मन में उस मनोकामना को आप मन में सोचेंगे कि मेरी मनोकामना पूरी होनी चाहिए, ऐसा एक फिर दो तीन अस्मिन् गोपतस्यापि यजमानः सप्रसूनः पाहि तां पूर्वमेव तस्मान् इति गृह्णन्तम् ईश्वराय पूर्वा
सा चिंतम चिंतम कृदान पर पुरुषाम कबीराय वैष्णवाय साम नीम नीम पुरुषाम अतात्मानम मां लक्ष्मी साम पुरुषाम दीर्घम मां मनोकान मां सिद्धि प्राप्त निमित्तम शीघ्र शीघ्र सिद्धि प्राप्त निमित्तम सब विविध धान्य धनम निसर पशु पक्षी की चिंता पुरुषाम सिद्धि निमित्तम बाह बिंब मुपेत एतोस्मान सा श्री सदै लक्ष्मी सपत्न्याम बहुरात्रे पात्रे नक्षत्राणि रूपतोव्यातम मां विष्णु निखाणा मम निखाणा सर्वलोकम निखाणा इन दोनों को देखते हुए लगा करके अपने सामने स्थापित कर दिया। शिव माता सुधा तुम्हें